भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने वाली है। भारत में कोरोना वायरस की तीन लहर आ चुकी है। बड़े वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक महामारी विज्ञान बायोलॉजिकल कारण नहीं है जो चौथी लहर के आने का संदेश लगा सके। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले में कमी दिखाई दी गई है। इस बीच चीन में दोबारा कोरोना के चलते लॉकडाउन देखा गया है। ऐसे में क्या भारत में भी कोरोना की चौथी लहर आ सकती है? लेकिन बड़े वैज्ञानिकों का यही मानना है कि कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यह आएगी या नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि इसकी गुंजाइश अभी बहुत कम है, इसलिए हमें इस पर नज़र बनाए रखनी है, हमें चौकन्ना रहना है। हमें वायरस को और उससे जेनेटिक सीक्वेंस को देखते रहना है, साथ ही देखना होगा कि क्या कोई नया वेरिएंट आता है या कोई वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भारी पड़ता है, खास तौर पर छोटी जगहों में। ऐसे में आपको उसके नतीजे को लेकर चिंतित होना होगा। आज के वक्त में हम तीन लहर देख चुके हैं, ओमिक्रॉन आया और गया। मुझे यह समझ नहीं आता कि इंसानों के मन में डर क्यों बैठाया जाए, इसका मकसद क्या है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर किसी लहर की भविष्यवाणी की जाए। मैंने इसके साथ होने वाली समस्या भी बताई है। तो बड़े वैज्ञानिकों का यही दावा है दोस्तों, लेकिन देखिए क्या भविष्य में कोरोना वायरस आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है, इसके भविष्यवाणी करना अभी संभव नहीं होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।